ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर पूरे देश की निगाहें हैं। यूपी में 11 और 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बता दें कि लखनऊ के चौराहे और सड़कों को नगर निगम साफ स्वच्छ बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा टेंट सिटी बनाई गई है। वृंदावन योजना के पास टेंट सिटी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के कार्यक्रम होने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर दिसंबर के महीने में यूपी के कई मंत्रियों को विदेश भेजकर निवेशकों से एमओयू साइन कराए गए हैं। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी रोड शो के जरिए बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ बैठक करके एमओयू साइन हुए। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह का कहना है कि पिछले 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ सरकार बताए, लेकिन सरकार बड़े बड़े विज्ञापन लगाकर प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार एक पत्र जारी कर बताए कितना इन्वेस्टमेंट यूपी में हुआ है। वहीं सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का भी कहना है कि सरकार फर्जी आंकड़े बताने का काम कर रही है, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की निगाहें इन्वेस्टर्स समिट पर है, क्योंकि निवेशकों के माध्यम से जो निवेश होगा उससे रोजगार के माध्यमों में इजाफा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि 11 और 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने बड़े पैमाने पर निवेश होता है। ये जो इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, ये इन्वेस्टर समिट जो है, इससे पूरे प्रदेश का विकास होगा। हर जिले में तीन तीन चार चार प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट, जिससे बेरोजगारी काफी हद तक दूर होगी। योगी सरकार सपने बेचने का काम कर रही है और मोदी सरकार 2014 से सपने बेच रही है। अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। ये सब अशोक सिंह नहीं कह रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कह रहा, ये देश के सामने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। ग्लोबल इन्वेस्टर पर पूरे देश की निगाहें हैं। 10 से 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। ऐसे में राजधानी लखनऊ को पूरी तरीके से सजाने की तैयारियां नगर निगम के द्वारा ली गई हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, हम इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री चौराहे पर। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ को जिस तरीके से सजाया जा रहा है, या मुख्यमंत्री आवास है जहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लेकर जो तैयारियाँ हो रही हैं, जो राजधानी लखनऊ के चकाचौंध जिस तरीके से सजाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और उनके मंत्रीगण इन्वेस्टमेंट को लेकर विदेश दौरे पर गए थे, तो कहीं ना कहीं इसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो निवेश होगा उसको लेकर तैयारियां की जा रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष का लगातार यही कहना है कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट, इसके पहले भी कई बार सेरेमनी का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी अभी तक नहीं गई है। लेकिन सरकार और सरकार के मंत्रीगण जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी बड़ी अपनी उपलब्धियां बताने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर हमलावर है और विपक्ष लगातार उनकी नाकामियों को बता रहा है कि जिस तरीके से इसके पहले भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार फेल नजर आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है वह धरातल पर कितना क्या होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज लखनऊ।